देवन, ठीक है। इसके अलावा मुझे माजिद ने असाइनमेंट सेंड की है, वो चेक कर लेते हैं। माजिद ने की है स्टार स्टार ऑपरेशन, चेक कर लेते हैं इसको। ये माजिद ने की है जी। ऊपर से ठीक है, नीचे आके स्पेस का ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अलैकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। सोफिया प्रेजेंट। सोफिया प्रेजेंट, सोफिया ने कल मुझे असाइनमेंट सेंड की थी। सोफिया अपने जीप फाइल में आज सेंड करें, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आपने क्या कुछ किया। सर वैसे मैं सोच रही थी, मैं उसे खुद करना चाह रही थी। हाँ तो माशाल्लाह करें, आप कर सकती हैं, पूछिए क्या उसमें। भेज भी दूं पहले ये करके ही भेजूं? नहीं आप भेजें ना, हम उसको देखें तो सही, फिर मैं आपको इश्यू बताऊंगा उसमें क्या है, फिर हम ओके उसको okay, कर मैं लेंगे। भेजती हूँ। ये माजिद की आ गई है ना फाइल, हम इसको टैग चेक कर लेते हैं कि माजिद ने क्या कोड किया। ये फाइल है जी हमारी, ओपन विद सबलाइम करते हैं इसको, ठीक है। ओके जी, करो ओपन इसको। ये फाइल है स्टार ऑपरेशन वाला। ये जी कोड चला है, ये तो बता रही है आपने जो है ना वो किया है, 20 रोज प्रिंट की है, ठीक है, ये समझ आ रही है। दूसरी लाइन में काउंट को उसको 0 किया, ये नहीं यूज किया हुआ। अच्छा आपने आपने 2 वाई लगा दी होंगे इधर, लगाए होंगे यहाँ देखे। अब इसका पीछे कहाँ से स्पेस आ रही है, इसके पीछे कहाँ से स्पेस आ रही है। ये हम स्टैरिक के आगे पीछे ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से जी। आप ठीक है? हाँ नहीं, नीचे वाले कौन सा, नीचे भी कहीं कुछ तैयारी किया। अच्छा ये वाला, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं हम ये और ये। हो जाती है करवा लेते हैं। मैं जस्ट ना अटेंडेंस भेज दूँ उतनी देर में। अस्सलाम सोफिया में वालेकुम सर, कोड अस्सलाम वालेकुम सर। है, हम कर रहे हैं इसको कमेंट कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ये अभी हम पहले इसको ना सेट वेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जो स्पेस है ना एक ज्यादा है, वो ये लाइन सीधी नहीं है, ये वाली सेंटर वाली वो हम सेट करते हैं। देखते हैं इसको कहाँ पे एरर है। स्पेस ये ऐड की हुई है, ये की हुई है, ठीक है, ये हो गया, सीधा हो गया हमारा। क्यों क्लास बोले, कहाँ चले गए सब लोग। स्पेस का इशू था वो हमने खत्म कर ली। अब नीचे वाली डिव है हमारी, उसको देखते हैं क्या किया हुआ आपने। नीचे वाला जो हमारा कोड है
वाइल लूप है, उसको देखते हैं उसमें स्पेस क्यों नहीं ऐड हो रही। ये किया आपने, यहाँ पे एक कम है आपका ना, यहाँ पे एक कम है आपका स्टेरिक, कि कम नहीं होना चाहिए। एक मिनट क्लास। आ रही है? मैंने हैंड फ्री चेंज जी आ की है, रही वापस है, आ रही जी आ रही। है। हमने करना है इसको क्या, नीचे से करना है इसको, एक स्पेस ऐड करनी है, उसके बाद जब दूसरा लूप चलता है तो उससे पहले हमने स्पेस एक ऐड करनी है सिर्फ, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसके स्पेस बढ़ाते जाना है हमने, ऐसा ही है ना, यही करना है ना, मतलब इस लूप में करना है हमने सारा काम। नहीं नहीं इसी लूप में करना है, जो लूप है ना इसी में। हमारा लूप वो ओके है, हमारा जो है ना, हमने क्या करना है इसके अंदर एक लूप लगाना है इस वाइल के अंदर। ये आपने जिस तरह का कोड किया है ना, मैं इसको बाद में अपने तरीके से करूंगा, लेकिन मैं अभी इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करना है, पहले स्पेस देनी है एक, फिर इसको देख रहे हैं ना, ये हमारी ये आउटपुट को देख लो, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पहले स्पेस देनी है एक, नहीं ये नंबर ऑफ जो है ना, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी 9 ही है, इसमें भी 9 ही है, 9 ही है, 9 ही है, ठीक है। एक के बाद इसमें 3 स्पेस देनी है, 3 के बाद इसमें 5 स्पेस देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड करने के लिए मैं फॉर लिखता हूँ, फॉर लिख के इसके लेंथ में लिखता हूँ 0, 0 कर दिया, इसको मैं करता हूँ लेस देन है, किसके किसके लेस देन है, ये है 10 के, कितनी स्पेस देनी है, 10 दे दूँ, 10 दे दूँ, लेस देन है ये, तो कर दे लेस देन है 10 के, और इसमें मैंने 2 ऐड करते जा रहा है, इस पर वैल्यू मैं रखूंगा 1, एक स्पेस देनी है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 स्पेस देनी है, मैंने 2 स्पेस देनी है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, आई आई प्लस 2 2, इस तरह से करूंगा ना, ये असाइनमेंट भी हो गई है, और इसमें मैंने करनी है पहले स्पेस देनी है एक, फिर देनी है 2, फिर देनी है 3, ऐसा ही है ना, तो यहाँ मूव कर दूंगा, ठीक है, तो इस तरह से इसमें स्पेस ऐड हो जाएगी, सिंपल इस कोड से मेरी स्पेस ऐड हो जाएगी, और एंड वाली पे कितनी स्पेसें होंगी हमारी, एंड वाली पे होगी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी 10, हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कि हमारे आउटपुट क्या आ रही है, हमारी क्या करवाना किसमें, ये हमारी स्पेस नीचे, ये डबल स्पेस दी हुई है, इसका इशू है, ऊपर भी दी हुई है, ऊपर तो हमने कुछ ऊपर जो है ना, यहाँ पे देखते हैं ना यहाँ पे कितनी स्पेसें आ रही है कोड में, यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव जो है ना वो हर दफा 2 स्पेसें लाता जा रहा है, मतलब क्या है कि हमें जो है ना हर दफा इसकी वैल्यू रीसेट करवानी पड़ेगी इसकी फॉर लूप की,
वो नहीं रीसेट हो रही, इधर गए हैं यहाँ पे, ये वैल्यू हमारी रीसेट नहीं हो रही, उसकी वजह से जो है ना वो पंगा कर रहा है। क्या पंगा कर रहा है, तो हर दफ़ा इसकी वैल्यू जो है ना दो दफ़ा बढ़ा रहा है इसका, दो का इंक्रीमेंट करके। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डू लूप यूज़, डू इसको रिमूव करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं अपना, वाइल में लिख देते हैं, वाइल कंडीशन लिख देते हैं, क्या यहाँ पे बता देते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई को आई लेस देन कितने हैं 10 के, ठीक है ये कर दिया हमने। और यहाँ पे हम आई का आई को क्या कर देते हैं, आई प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे भी हम रख देते हैं आई को क्या 1, और इसके अंदर भी हम आई को क्या कर देते हैं इज इक्वल टू 1, 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, दो से दफा 3 पैसे ले लिया, तो उसके लिए हम क्या करें, 2 घंटे में बात, लेकिन वो हर दफा फिर तीन 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 का इंक्रीमेंट दे देगा, पहली दफा 1 का देगा, दूसरी दफा 3 का इंक्रीमेंट देगा, हर दफा 3 का इंक्रीमेंट जाएगा। नहीं वैसे नहीं ना हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है हमारा काम। हम सर ऊपर इधर जी, इफ वी आर स्विच स्टेटमेंट यूज नहीं नहीं स्विच स्टेटमेंट हमने करना है, हमने इसी से करना ही है। एक दफा तो ये इसकी आइट्रेशन 1 स्पेस देगा, ये देखे, उसके बाद ये 3 स्पेस देना शुरू कर देगा, और हर दफा 3 ही देगा। ये देखे कोड में एरर है, तो नहीं वो कंडीशन ट्रू होगी ना, कंडीशन हर दफा ट्रू होगी है तो वो इनफिनाइट पे चला जाएगा। इसको मैं बंद करके चलाता हूँ, ठीक है। माजिद की फाइल है डाउनलोड, इसको कंप्लीट करते हैं हम जल्दी से जल्दी। स्टार क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम गए, इसको हमने किया लाइन को खत्म। अब यहाँ पे मुझे मुझसे कोड करवाए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसकी आइट्रेशन हो तो 1 स्पेस आए, दूसरी आइट्रेशन हो तो 3 स्पेस आए, चौथी आइट्रेशन हो तो यहाँ पे आया उस वक्त स्टोन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जब आता है काउंट की वैल्यू क्या है, और इनर काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस कंडीशन में। यहाँ पे काउंट की 10 हो गई, और इसकी क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ, या वो अलर्ट में जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 20, इनर काउंट की वैल्यू 20 है, और काउंट की वैल्यू आती है क्या, हाँ? काउंट की वैल्यू आती है मेरे पास 11, ठीक है ये कर लिया मैंने। बीस काउंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी ना, ये काउंट की वैल्यू 11 ही रहेगी, और उसने 20 से नीचे आना है, ऐसे ही है ना माजिद, काउंट की वैल्यू फिक्स ही रहेगी यहाँ पे 11, और उसने 20 से नीचे आना है, ऐसे ही है। हम काउंट इसके माइक में शो हो रहा है, काउंट काउंट किया, ये काउंट को काउंट की वैल्यू हमारी क्या है 11। अब हमें इस 11 के साथ खेलना है, किस तरह खेलना है वो देखते हैं हम ना। टेन माइनस 1 11,
यार 20 की 20 वैल्यू है इसकी, ये कम होना है और ये ज्यादा होना है लूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लूप बनाएं, क्लास बताएं मुझे, क्या इतना मुश्किल काम तो दिया नहीं मैंने आपको, सिर्फ यही बताया कि इसमें जो है ना स्पेसें ऐड करनी है हमने। यहाँ पे 11 वैल्यू है अकाउंट की, अकाउंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी हमारी, इनर अकाउंट की चेंज होनी है वैल्यू, इनर इसके जब दूसरी एट्रेशन होगी इस लूप की तो इसमें 19 वैल्यू होगी ना इसकी, 19 दूसरी एट्रेशन में 19 होगी, 19 फिर दो स्पेसें आएंगे फिर भी 3 नहीं आती हमारी, ऐसे ही है ना। नहीं, हम तो लॉजिक ये बनाना है ना कि यहाँ पे पहले एक आए फिर 3 स्पेस आए फिर 5 आए फिर 7 आए फिर 9 आए, ये लॉजिक बनाना है यहाँ पे। बताएं क्या करूं, मैं ही करना है। अच्छा चलो मैं करता हूँ, यहाँ पे दिया 21, फर्स्ट आइटरेशन आई तो इसकी एक स्पेस आ गई, दूसरी आइटरेशन आई तो इसकी दो स्पेसें आ गई, दो ठीक है, ये साइन कर रहा हूँ मैं इसको हर आइटरेशन पे, 21 21 छोटा है 20 से, 21 छोटा है 20 से, 21 बड़ा है 20 से, तो ये एक दफा लूप चल गया मेरा। ठीक है, और इसके मैं आई में क्या करवा लूंगा, डिक्रीमेंट, तो एक एक डिक्रीमेंट होगा, अभी अभी एक एक स्पेस ऐड होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखूं, काउंट है मेरा 11, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ 12 माइनस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई इक्वल टू 2 माइनस ये, ठीक है, तो दस दस छोटा तो आइट्रेशन बढ़ गई है ना हमारी, छोटा सा लॉजिक है वो नहीं बन रहा हमसे, एक बना ले पंद्रह, उसकी पहली दफा एक हो फिर 3 हो, मेरे जीरो आई छोटा है जे से, ठीक है, और इसका इंक्रीमेंट करते जाओ, यहाँ पे हो गया जी महाराज बन गया, और यहाँ पे जो है ना
जे को प्लस करवा दो, क्या इक्वल करवा दो टू, ये करवा दो हर लूप के बाद, बन गया भी हो गया हमारी आउटपुट आ गई है। इसने ये स्पेस ऐड की, ये स्पेस ऐड की और ये, स्पेस से बढ़ा रहा है वो। पहले एक है, फिर दो है, फिर तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है। नहीं ऐसे तो बना दी है हर रो में, लेकिन वो एक रो में कर रहा है, हमने एक रो में कर दे। ये तो स्पेस बढ़ा रहा है उस रो में, हमने रो स्पेस बढ़ानी है। ये स्पेस बढ़ा पालन, लाइन से पहले बनाएगा आप कह रहे हो, इसको उठा के बाहर ले जाओ इस लूप से। अच्छा, आपने ये वो लूप ऊपर रो वाला दूसरा से लाया हुआ है, इसको यहाँ पे रखूँ मैं, ऐसे कह रहे हैं ना? लेकिन जे को फिर इसके ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा ना। जे को यहाँ पे ऊपर जाकर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, और जे की वैल्यू जो है फिर यहाँ पे नहीं इंक्रीमेंट होगी, वो होगी इसमें जाके आउटर लूप में। स्पेस आ गई है ना, ये देखिए ज़रा कॉपी करते हैं हम, और नीचे वाले जाके लूप में ऐड कर लेते हैं। बन नहीं गई हमारी आउटपुट, क्या क्या है बन नहीं गया हमारा काम, हो नहीं गया, लेकिन ये आगे क्यों है, ये इतना आगे क्यों जा रहा है, हमने क्या कुछ गलत किया है इसमें? सर एनबीएसपी एनबीएसपी ये एक टैब स्पेस देने के लिए यूज करते हैं हम इसको। जी अच्छा, ये इतना आगे क्यों जा रहा है माजी? नहीं, हमने तो इसमें स्पेस दे दी है इतनी ज्यादा, जे की वैल्यू कहीं और पे यूज हो रही है, मतलब इसने फर्स्ट टाइम जो चला। जे की वैल्यू तो हमने बंद रखी है क्या? अच्छा, ये वाली ये जहां पे यहां पे वाह जी वाह,
सही बन गया हमारा बैटर। वो मैंने सिंपल ये लॉजिक बनाया, जो हमारा रो वाला काउंटर था ये वाला, इसके अंदर इसके पीछे मैंने एक चीज डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, और उसी उसी लूप के अंदर मैंने ये बनाया है, क्या बनाया, ये एल एल्स केस में, हाँ ये लूप चलना था तो फिर इसने काम करना था ना। हो गया काम, हो गया हमारा। सर चले गए, हाँ जी क्लास, इसका लॉजिक देखें, जिसको नहीं समझ आई जरा उससे समझाएं माजिद आप ना, तो फिर मैं आता हूँ, फिर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं सिंपल, जिस तरीके से हमने पहले उसको नहीं था कि